बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसआरए परियोजना में पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर पर हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद के दौरान किशोरी पेडणेकर के खिलाफ कागजी सबूत पेश किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं कुछ आरोपों का जवाब दरार और दादर पुलिस थाने में दर्ज करवाने के बाद किशोरी पेडणेकर ने मीडिया के समक्ष खुद को पाक साफ बताया था, और इसी को देखते हुए इसका जवाब देने के लिए किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा पहले आपको वो सुनाते हैं। याना दादर पुलिस स्टेशन ने आता पुनः एकदा मंगलवार 1 नवंबर रोजी बोलवला आहे। उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप के नेते किशोरी पेडणेकर पूर्व मुंबई महापौर, उनको पुलिस ने एसआरए घोटाले के लिए पुनः एक बार मंगलवार 1 नवंबर को बुलाया है। जर भीति नहीं आए, खोट का केलं नहीं आए, कुलूप घेऊन दुकाना आणि घर बंद करायला निघाला आहात, मग पोलीस चौकशीला का घाबरतात? हे प्रकरण 1 वर्षापूर्वी मी ठाकरे सरकारच्या विभिन्न एजन्सीजकडे दिले होते। वांद्रा पूर्व निर्मल नगर पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट पण फाइल केली होती, एसआरए कडे पुरावे दिले होते, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी यांच्या कार्यालयातून दबाव आल्यामुळे किशोरी पेडणेकर यांचा सगळा एसआरए घोटाळ्याची चौकशी झाली नाही। 1 साल पहले मैंने बांद्रा पूर्व निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, एसआरए, मुंबई महापालिका, मंत्रालय, गृह निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, सब जगह शिकायत दी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के कार्यालय के दबाव के कारण कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। मेरी इस विषय में मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों से बात हुई है। काल रात्री पुनः एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझा संवाद झाला। किशोरीताई पेडणेकर च्या विरुद्ध 6 ठिकाणी चौकशा चालू आहे। भारत सरकार कंपनी मंत्रालयाने पण तक्रार दाखल केली आहे। मरीन लाइन पोलीस स्टेशन मध्ये चौकशी सुरू आहे। सेशन कोर्ट मध्ये कंपनी मंत्रालय, भारत सरकार, उन्होंने कंप्लेंट शिकायत दाखिल की है। मेरी किरीट सोमैया की जनहित याचिका पे उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू है। एसआरए ने अभी उसकी जांच शुरू की है। मैं अत्ता पुनः एक ना एसआरए चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्याशी बोललो, त्यांनी आता यावर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं आहे, आणि म्हणून या 1/2 डझन ठिकाणी चौकशा सुरू आहेत। एक ना अनेक प्रकरण आहे। त्यात कोविड मधली कमाई घोटाळा पण आहे, बेनामी संपत्ती पण आहे, आणि म्हणून यातील चौकशी मुंबई कमिशनर आर्थिक गुन्हे विभाग, इतकी जांच मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने करनी चाहिए। ये सब किशोरी पेडणेकर जी के कमाल की ऐसी हमारी मांग है। मुझे विश्वास है माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मेरी इस मांग का स्वीकार करेंगे। महापौर महोदय किस हद तक नीचे जा सकती है,
किशोरी पेडनेकर जी ने, उनके परिवार ने, उनका और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यकारी संपादक मुंबई से शिरीष। शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे कि किरण सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा हमला बोल दिया है यहाँ पर किशोरी पेडनेकर पर। जी, एक्चुअली किरण सोमैया जी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी दादर पुलिस स्टेशन में, कल किशोरी पेडनेकर जी को बुलाया गया था वहाँ पे उनकी उनके उनके जो वक्तव्य होंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, पर किशोर और उसके उसके अलावा पुलिस ने उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है वापस से। फिर मंगलवार को फिर से उनको इंक्वायरी किया हुआ है, लेकिन किशोरी पेडनेकर दादर पुलिस स्टेशन से निकलने के तुरंत सीधे जाकर के उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पर मिली, और उसके बाद मिलने के बाद हाथ में ताला लेकर के चारों अपने वर्ली के कुछ प्रोजेक्ट के पास, सारे प्रोजेक्ट के पास घूमी और कैमरे के सामने सिर्फ दिखावा किया कि आप बताइए कौन सी दुकान मेरी है या कौन सा घर मेरा है, मैं उस पर ताला लगा दूंगी। ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक्चुअली अगर पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो पुलिस अपने अपने ढंग से पुलिस मामले की जांच को पहले पूरा करने दीजिए। अभी उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका पूरा उन्होंने वक्तव्य भी नहीं, अभी उनके बयान ही पूरे दर्ज नहीं हुए हैं, आधे अधूरे बयान दर्ज हुए हैं, मंगलवार को फिर से दर्ज होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं किशोरी पेडनेकर के मामले में कुछ ना कुछ दाल पूरी अक्सर ऐसा जरूर लग रहा है कि दाल कहीं ना कहीं काली है, क्योंकि किशोरी पेडनेकर बड़ी हड़बड़ाहट में लगी और अपने आप को पास साफ दिखाने की उनको बहुत सारी जल्दी है, और कहीं ना कहीं उद्धव जी से तुरंत मिल करके उन्होंने अपने राजनीतिक जो नुकसान हो रहा है उसको भी पैच अप करने की कोशिश की है। जी, तो शिरीष, पहले संजय राउत और अब किशोरी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो जरूर गर्म है, क्योंकि अब शिंदे गुट क्योंकि कमान संभाले हुए सत्ता की, तो ऐसे में इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से भी जो एक पक्ष रखा गया है कि अभी शिकायतकर्ताओं की संख्या भी और बढ़ सकती है, एक ये भी बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि वहां पर क्या ये किसी तरह का रंजिश चल रही है, चुनावी रंजिश है या राजनीतिक रंजिश है, या वाकई किशोरी का नाम जो उछला है वो कहीं ना कहीं उनका वाकई इस चीज में लेना देना है? नहीं, रंजिश हम इसको राजनीतिक रंजिश तब बोल सकते थे जब किशोरी पेडनेकर पास साफ होती और उनको किसी चीज के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही होती, लेकिन जिस तरह से ये आरोप लग रहा है और उससे रिलेटेड उन आरोपों से रिलेटेड दस्तावेज भी किरण सोमैया पत्रकारों के समक्ष रख रहे हैं और उनका उनके द्वारा लगाए गए आरोप आज के नहीं है, वो करीब एक साल पुराने आरोप है और उन्होंने बकायदा अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हुई है, जनहित याचिका दायर की हुई है। तो जब जब कोई आदमी किसी के खिलाफ इस तरह का कदम उठाता है तो जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको क्लियरिफिकेशन देना होता है। तो उसके बारे में अगर किशोरी पेडनेकर को ऐसा, या किशोरी पेडनेकर कल बोल ही रहे थे कि मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष निकाला जा रहा है, और राजनीतिक द्वेष अगर निकाला जा रहा होता तो आपको फंसाया जा रहा होता है, आपके खिलाफ तो बकायदा सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष है। ये ऐसा लग रहा है कि किशोरी पेडनेकर जी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है और गड़बड़ी जब पुलिस को समझ में आई है तभी जाकर के पुलिस ने उनका बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया हुआ है। अभी तो आने वाला समय ये कि किशोरी पेडनेकर कितनी पास साफ है या किशोरी पेडनेकर ने सारे यानी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत दूसरों के नाम से घर लिया है या नहीं लिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से कोविड अस्पताल के अंदर जो सामान सप्लाई किया जाता है वो अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये बहुत सारी अभी चीजें उनके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं और उसकी जांच होनी बाकी है। जब वो जांच से बाहर निकलेंगी तभी बोला जा सकेगा किशोरी पेडनेकर कितनी सही है कितनी गलत है। यानी शिकंजा अभी कसता जा रहा है किशोरी पेडनेकर की अगर बात की जाए तो। क्या शिरीष और भी कोई नाम है जो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज जो है उनके नाम सामने आ चुके हैं, पहले संजय राउत और अब किशोरी और उनके साथ साथ उनके कुछ सहयोगी भी, उनके भी नाम सामने आए जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके उनके विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब जी भी हैं अभी इसी लाइन में, इसी कतार में है शिवसेना के। तो फिलहाल तो अभी किशोरी पेडनेकर जी की जांच की बात चल रही है और अनिल परब के ऊपर भी जो गलत तरीके से गलत पैसे का इस्तेमाल कर, यानी भ्रष्टाचार के पैसों से रत्नागिरी के कुछ इलाकों में दो होटलें बनाने की उन्होंने कोशिश बनाया हुआ है, उसके बाद जब बाहर आई थी जांच के बाद उन दोनों होटलों को तोड़ने का निर्देश बकायदा प्रशासन द्वारा दिया जा चुका है। जो नवंबर के महीने में कोई एक तारीख तय हुई है जिस दिन जाकर के उसका कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला गया है दोनों होटलों को तोड़ने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है। अब बस वो फॉर्मेलिटी बची हुई है कि कोई तारीख तय हो जाएगी और उस तारीख से प्रशासन जाकर के वहाँ होटल तोड़ेगा और तोड़ने का जो खर्च है वो खर्च भी अनिल परब से लिया जाएगा, इसके अलावा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
तो अभी वो अलग एक पार्ट है, वो भी अभी धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन फिलहाल किशोरी पेडनेकर की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल तो उन्होंने बड़े बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, जो जो दुकानें मिलेगी मैं ताला लगवा दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब जो आरोप करता है किरीट सोमाया जी के पास आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, और साथ ही जब किशोरी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि वो बाकायदा कानूनी सलाह भी लेंगे। तो शिरीष इस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है, क्या वो पहुंची है, किसी वकील से भी मिली है? नहीं, वकील से मिलने की भी कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी मंगलवार को अभी भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना बाकी है। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस को ऐसा लगेगा कि उनके खिलाफ मामला बन रहा है और उनके उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, तब मेरे ख्याल से वो किसी न किसी वकील को जरूर कंसल्ट करेंगे। चलिए शिरीष बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त किरीट सोमैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है और किशोरी पेडनेकर से पूछताछ को लेकर भी वहां पर कई तरह की कवायद तेज हो चुकी है और एक बार फिर से अब उन्हें 1 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।